नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्पीति के काजा में हुई घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी की साजिश से करार दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी कई गंभीर सवाल निशान खड़े किए। जयराम ठाकुर ने कहा इस दौरान कि चुनावों में अधिकारियों की लापरवाही से देवभूमि में पहली बार इस तरह की घटना सामने आई है। भागकर उन्हें अपनी जान बचानी पड़ी और अभी तक इस घटना की शिकायत तक दर्ज नहीं की गई है। इसके अलावा आपको बताएं कि उन्होंने इस घटना की वीडियो फुटेज के साथ उनके साथ हुए बर्ताव की शिकायत चुनाव आयोग को भी भेजी है। सारी चीज जो हुई है ये महज ऐसे नहीं हुई है, घटना ये बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ी साजिश आज की गई थी और ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा साजिश रची गई थी और जिसकी भनक हमको काफी दिन पहले से लग रही थी कि कुछ ऐसा करने वाले हैं ये लोग, और बहुत मुश्किल से हम अपनी जान बचा करके वहां से निकले हैं। आज देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आज तक हमने अनेकों चुनाव लड़े भी हैं, लड़ाए भी हैं, लेकिन कहीं भी इस तरह की घटना को हमने होते नहीं देखा है जो आज वहां पर लाहौल में किया गया, काजा में हुआ है। उसके बाद हमारे साथी वहां पर FIR लॉज करने के लिए गए हुए, FIR अभी तक भी लॉज नहीं की गई है। और इसके अलावा वहां इस घटना के पश्चात हमने सारी वीडियो फुटेज भी, हमने सारी डिटेल लेकर के जो है इलेक्शन कमीशन को, जो हमारे CO है शिमला, उनको भेज दिए। और हमारी मांग है उसमें कि सबसे पहले तो उन अधिकारियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे जिन्होंने पैरेलल परमिशन दी है वहां पर, और दूसरी बात जो SP वहां पर हैं जिन्होंने इंश्योर किया था, जिनसे मेरी फोन पर बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था ये मेरा जिम्मा है, उनके भरोसे हम रहे और उसके बावजूद भी वहां पर सारा घटनाक्रम घटित हुआ। 4 या 5 सारे पुलिस के वहां पर कर्मचारी आगे पीछे थे और उनके बस में उतने लोगों को रोकना संभव था ही, उनकी कमिटमेंट के बावजूद भी घटना होती है, यानी कि पुलिस के सुपरिटेंडेंट पुलिस के कमिटमेंट के बावजूद भी कि ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, उसके बावजूद भी घटना होती है, उनकी भी जवाबदेही इस बात को लेकर के होनी चाहिए। देखिए मुझे सिर्फ इतना कहना है कि कैंडिडेट के खिलाफ थोड़ा बहुत बोलते हैं, थोड़ा इस तरह से समझ में आती है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियां ये बहुत ज्यादा करने की जो है वो बात मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती है आज के परिप्रेक्ष्य में खासतौर से। और व्यक्तिगत रूप से बोलने के लिए है तो फिर कोई ऐसा नेता कांग्रेस पार्टी में नहीं जिसके खिलाफ बोला नहीं जा सकता है। हमने अभी तक सब्र रखा है, संयम रखा है, किसी के भी खिलाफ, मैं किसी के खिलाफ बोल सकता हूं। मैं 5 साल तक मुख्यमंत्री रहा हूं, इनके सबके राज मेरे यहां पर दफन है अभी तक। अगर हम उनको खोलेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा।